हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फ्लैश प्रोग्रामिंग करने वाले हैं एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम सबसे पहले हमने प्रोग्रामर लिया है CS341, एक छोटा मिनी प्रोग्रामर है। ठीक है, तो एक प्रोग्रामर है गाइस। और गाइस, ये जो है हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं ये SPI फ्लैश, इसे हमने बेस पे लगा दिया है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 25Q16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये विन बॉन्ड की चिप है गाइस। ठीक है, तो ये 25Q16 25 की सीरीज का है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमें सबसे पहले इसके OTG से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए और इस प्रोग्रामर और गाइस ये SPI फ्लैश इसमें हम इंस्टॉल करने वाले गाइस। ठीक है, और गाइस एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, उसे वहाँ पे से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो सेटअप है, तो गाइस चलिए फ्लैश प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले ये है SPI फ्लैश और ये है प्रोग्रामर। तो इसे अनलॉक कर देंगे और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे तो जैसे कि यहाँ पे 25 के आगे XX लिखा है, ये जो 25 की सीरीज है। और गाइस, जब अगर ये 24 के आगे XX है, ये 24 की सीरीज है। तो जैसे कि यहाँ पे 25 की सीरीज है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 25Q16 लिखा हुआ है यहाँ पे चिप। ठीक है, तो ये 25 की सीरीज है। अगर 24Q32 या 24Q16 लिखा होता है तो यहाँ पे 24 की सीरीज होती है। यहाँ पे तो है 25Q16 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 25Q32 भी होती है। तो ये फिलहाल तो ये 25Q16 लिखा हुआ है, तो इसे मैं लगा दूंगा गाइस 25 की सीरीज में। तो गाइस, ये साइड के जो है 8 खाचे, तो ये 8 खाचे में ये प्रोग्रामर लगाना है। तो गाइस, ये बेस ही उस तरीके से दिया गया है गाइस। यहाँ पे जो खाचा है, इस तरीके से खाचे से लगा देना है। यहाँ पे उल्टा लगाने पर IC बहुत गर्म हो जाएगी, यहाँ पे पावर भी ऑन नहीं होगा गाइस। ठीक है, और इससे फ्लैश मेमोरी भी खराब हो, ये जो फ्लैश प्रोग्रामर भी खराब हो सकता है। तो इस तरीके से गाइस, इसका जो है सेटअप लग चुका है। ठीक है, अब इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए, छोटे से चेंजेस है गाइस यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे एक्सप्लोरर खोलेंगे। खोलने के बाद जो डाउनलोड होगी फाइल वो इंटरनल मेमोरी में होगी। उसके बाद गाइस, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस, ऐप कॉम्बो ऐप इंस्टॉल, ये जो APK फाइल है जो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड किया है, तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन रहने वाला है। इसे इंस्टॉल कर लेना है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर देना है। करने के बाद गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम की फाइल यहाँ पे है गाइस। तो ये दिखाने के लिए मैं एक प्रोग्राम लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्रामर इसमें है जिप फाइल में, इसे एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे। तो गाइस, फ्लैश फाइल कभी भी बाइनरी फाइल में दी गई होती है, जो उसका एक्सटेंशन है बाइनरी BIN लिखा होता है, बिन फाइल। मोबाइल के प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर में चलाने के लिए ये फ्लैश फाइल को यहाँ पे रीनेम करना होगा। तो यहाँ पे रीनेम करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीनेम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डॉट लेंगे, डॉट लिख के ROM लिखना है। तो गाइस, इस तरीके से इसका जो है हम एक्सटेंशन चेंज करने वाले हैं रोम लिख के। तो इसका जो है लास्ट डॉट ROM लिखने के बाद इसका एक्सटेंशन पूरा चेंज हो चुका है। तो गाइस, अब जो जो हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। तो इसे बैक कर लेंगे और बैक करके होम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अब इसे OTG के जरिए कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लाइट चालू हो चुका है और यहाँ पे अनलॉक करूंगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से कनेक्ट करते ही, कनेक्ट होते ही इस तरीके से इसका जो है सॉफ्टवेयर का विंडोज ओपन हो जाएगा। कॉम्बो टूल प्लस बोल के लिखा हुआ है, एक मिनट। तो देखिए गाइस, इस तरीके से इसका जो है विंडोज ओपन हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर का विंडोज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पावर लाइट आ चुका है। ठीक है,
इसमें जो है सप्लाई आ चुकी है CH341A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका जो स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पे देखिए पहले गाइस डिटेक्ट चिप करना है। चिप डिटेक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस चिप डिटेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसका मतलब गाइस चिप डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो गाइस अगर चिप डिटेक्ट ना हो तो यहाँ पे पूरा FFF पूरा लिख के आता है। ठीक है, इसे ओके करने के बाद इंटरनेट के जरिए यहाँ पे पूरी वो चिप की डिटेल आएगी। ठीक है, तो ये IC की पूरी डिटेल आएगी, उसके लिए गाइस यहाँ पे इंटरनेट रहना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये पूरी डिटेल आती है। ठीक है, इसे बैक कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए चिप डिटेक्ट हो चुकी है और गाइस अब इसे फ्लैश प्रोग्रामिंग के लिए पूरा रेडी हो चुका है, चिप डिटेक्ट हो चुकी है। अब गाइस इसे इरेज करना है, इरेज करने के लिए यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे और जो हमारी जो चिप है 25 की सीरीज है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा 25 की सीरीज, तो इसकी जो चिप का नंबर है 25Q16 लिखा हुआ है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पे 25M32 है, तो यहाँ पे 25Q16 लिखा हुआ है तो यहाँ पे M लिखा होता है, Q की जगह यहाँ पे M लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे 25M16 पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है लाइट आके गया है, यहाँ पे इरेज कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो ये पूरा इरेज हो चुका है, तो यहाँ पे बैक ले लूंगा और यहाँ पे देखिए चिप तो इरेज हो चुकी है। तो गाइस अब ये जो फ्लैश फाइल है जो मोबाइल में हमने एक्सटेंशन चेंज करके रखा हुआ है, तो वो जो फ्लैश फाइल है हमें इसमें इंस्टॉल करना है, तो इसमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे हम इसमें कॉपी क्लिक करेंगे, कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डॉट दिया है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेक्ट हो जाएगा फाइल। तो गाइस हमारा जो फाइल है MP5 प्रोग्राम फाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो हमने सबसे पहले हमने एक्सटेंशन चेंज किया है डॉट रोम लिख कर, तो उसे हमने क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे यहाँ पे पूरा जो है बाइनरी में नंबर आ जाएंगे, तो गाइस यहाँ पे पूरे जो नंबर है आ जाएंगे बाइनरी के। ठीक है, तो यहाँ पे रीड सक्सेस हो चुका है, उसके बाद गाइस यहाँ पे यही पूरा प्रोग्राम उसमें प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसमें अभी चिप का मॉडल बताएगा, यहाँ पे 25 की सीरीज का चिप है और यहाँ पे जो नंबर है IC का यहाँ पे 25M16, यहाँ पे ओके दबा देंगे तो यहाँ पे रेड लाइट फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जो है बंद होने तक वेट करना है, जैसे थोड़ा टाइम लगता है, तो देखिए गाइज इस तरीके से लिख के आएगा, तो गाइज राइट स्टेटस लिख के आएगा। उसके बाद गाइज हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे फिर से लाइट जलेगी, उन्हें पूरा वेरीफाई करेगा, हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो वेरीफाई करेगा गाइज। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, ये जब तक लाइट बंद होती है तब तक वेट करना है। तो देखिए गाइज वेरीफाई ओके लिख के आ चुका है, मतलब गाइज हमारा जो है सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्लैश फाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से फ्लैश प्रोग्राम करते हैं मोबाइल के जरिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।